हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन है, तो लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन को, और कैसे अपने फ़ोन का ऑल डाटा आप रीसेट कर पाएंगे लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन को। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं और ऑल डाटा भी रीसेट कैसे कर पाएंगे लावा फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन को, यानी कैसे रीसेट कर पाएंगे। सिंपली आइकन सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। तो आपके पास ऑप्शन आता है रीसेट सेटिंग्स का। तो रीसेट सेटिंग्स पे जब आप जाते हैं तो फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं। सिंपली इरेज ऑल डाटा, फैक्ट्री रीसेट ऑप्शंस पे चले जाना है, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने अलावा फ़ोन में, और फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट भी कर पाएंगे। सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, पासवर्ड डाल देंगे एंड आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपका जो फ़ोन है फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और फ़ोन का ऑल डाटा भी रीसेट हो जाएगा जब आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं लावा स्ट्रॉम 5G फ़ोन को। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। बस आपको सर्च करना है इरेज ऑल ऑल डाटा, तो इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके जरिए फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं और फ़ोन का ऑल डाटा भी रीसेट कर पाएंगे लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो